हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड आवर टुडेज टॉपिक इज इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट लेट लेटिस्ट सी वेन प्रिंटिंग विज्ञान इन इंडिया एंड हाउ द आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन वर रिटर्न बिफोर द एज ऑफ प्रिंट नाउ वी विल सी हाउ द प्रिंटिंग विज्ञान इन इंडिया इंडिया में प्रिंटिंग कैसे स्टार्ट हुई और जब प्रिंटिंग नहीं होती थी तब कैसे आइडियाज और इंफॉर्मेशन को लिखा जाता था मैन्यूस्क्रिप्टिफोर दिंट इंडिया हैड अ वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्यरबिक परशियन एज वेल एज इन द वेरियस वर्निकुलर लैंग्वेज स्टूडेंट इंडिया का जो कल्चर uh, जो ट्रेडिशन है uh, हाथ से लिखी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट में uh, वो बहुत ही पुराना है मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता हैड रिटन बुक हाथ से लिखी हुई किताब तो संस्कृत हुई अरबिक हुई पर्शियन हो गई इन अलग अलग भाषाओं में मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखा जाता था एंड इवन इन द वर्निकुलर लैंग्वेजेस वर्निकुलर मीन्स मातृभाषा जो मातृभाषा होती थी उसमें भी लिखा जाता था वर कॉपीड ऑन द पाम लीव और ऑन देंड मेड पेपर मैन्यूस्क्रिप्ट को पाम लीव जो पाम के पत्ते होते थे उन पे कॉपी किया जाता था या हाथ से बने हुए पेपर पे लिखा जाता था पेजेस पर समटाइम ब्यूटिफुल इलस्ट्रेटेड पेजेस को बहुत ही सुंदर लिखावट में लिखा जाता था दे uh, वुड be pressed प्रेस बिटवीन द वुडन कवर और सीन टुगेदर टू the द प्रिजर्वेशन पेजेस को स्टूडेंट्स क्या किया जाता था कि स्टूडेंट्स के uh, वो जो वुडन कवर होते थे जो लकड़ी के कवर्स होते थे उनके बीच में प्रेस कर दिया जाता था या फिर उनको सिल दिया जाता था ताकि उनको प्रिजर्व करके बचा के रखा जा सके मैन्यूस्क्रिप्ट कंटिन्यू टू बी प्रोड्यूस टिल वेल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट और मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो काफ़ी समय तक इसी तरह से प्रोड्यूस होती रही थी जब तक प्रिंटिंग uh, आई थी डाउन टू द लेट नाइन्टीन सेंचुरी मतलब नाइनटीन सेंचुरी तक आते आते मैनुस्क्रिप्ट uh, तभी प्रोड्यूस uh, होती थी साथ ही साथ प्रिंटिंग भी आ गई लेकिन मैन्यूस्क्रिप्ट भी प्रोड्यूस होती रही मैनुस्क्रिप्ट हाउ अवर वेरी हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रेगाइल लेकिन मैनुस्क्रिप्ट जो होती थी वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती थी महंगी होती थी और फ्रेगाइल होती थी मतलब फ्रेगा मीन वो आसानी से डैमेज uh, हो सकती थी दे हैड टू बी हैंडल्ड केयरफुली एंड दे कुड नॉट बी रीड ईजली एज द और उनको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता था और उनको पढ़ना बहुत ही आसान नहीं होता था एज द स्क्रिप्ट वर रिटर्न इन द डिफरेंट स्टाइल क्योंकि स्क्रिप्ट को बहुत ही अलग अलग स्टाइल में लिखा जाता था सो मैन्यू स्क्रिप्ट वर वाइडली यूज इन एवरी डे लाइफ तो मैन्यूस्क्रिप्ट को रोजमर्रा की जिंदगी में यूज नहीं किया जाता था इवन थ्रू दो द कलोनियन प्री कॉलोनियन बंगाल हैड डेवलप्ड एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ विज प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स वर ऑफ डिड नॉट रीड द टेक्स्ट यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बंगाल का कि जो विलेजेस होते थे प्राइम वहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल होते थे वहाँ पर स्टूडेंट्स जो होते थे सिर्फ टेक्स्ट को लिख पाते थे रीड नहीं कर पाते थे पढ़ नहीं पाते थे दे ओनली लर्न टू राइट उन्होंने सिर्फ लिखना सीखा था टीचर डिक्टेट दी पोर्शन ऑफ द टेक्सट फ्राम मेमोरी टीचर जो होता था वो सिर्फ़ डिक्टेट करता था और अपने और स्टूडेंट्स जो होते थे वो लिखते थे उनको लिख लेते थे मैनी दस बिकेम लिटरेट विदाउट एवर एक्चुअली रीडिंग एनी काइंड ऑफ टेक्स तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो थे वो लिटरेट हो गए थे पढ़े लिखे हो चुके थे लेकिन उन्हें रीडिंग करना नहीं आता था नेक्स्ट टॉपिक प्रिंट कम टू इंडिया नॉ इन दिस टॉपिक वी विल लर्न हाउ प्रिंट कम टू इंडिया इंडिया में प्रिंटिंग कैसे आई द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा विद द पोर्टुगीज मिशनरी इन द मिड सिक्सटीन सेंचुरी प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले स्टूडेंट्स गोवा में आई थी और उन्हें लाने वाले पोर्टगीज मशनरीज थे और ये सब सिक्सटीन सेंचुरी बाय द मिड सिक्सटीन सेंचुरी हुआ था जीजस प्रीस लर्न दी कोंकनी एंड सेवरल प्रिंटेड सेवरल ट्रैक जीजस प्रीस ने कोकनी भाषा को लर्न किया पढ़ा और उसमें बहुत सारे उन्होंने ट्रैक्स को प्रिंट करवाया सिक्सटीन सेवेंटी फोर में फिफ्टी बुक्स को प्रिंट किया गया कोंकनी और कनारा लैंग्वेज में कैथोलिक प्रीस्ट ने भी पहली तमिल बुक को प्रिंट किया कोचिन में 1579 में और पहली मलयालम बुक को भी इन्हीं के द्वारा प्रिंट किया गया 1713 में 1710 में डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने 32 तमिल टेक्स को प्रिंट करवाया मैनी ऑफ दम ट्रांसलेशन ऑफ ओल्डर वर्क और ज़्यादातर उसमें जो टेक्स्ट थे वो पुराने ओल्डर वर्क के ही ट्रांसलेशन थे द इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस डिज़ नॉट ग्रो इन इंडिया टिल क्वाइट लेट इवन दो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगैन टू इम्पोर्ट द प्रसेस फ्रॉम द लेट सेवेंटीन सेंचुरी और जो इंग्लिश uh, की लैंग्वेज की जो प्रेस होती थी वो भारत में इंडिया में बहुत ज़्यादा uh, ग्रो नहीं हो पाई थी डेवलप नहीं हो पाई थी हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेवनटीन uh, सेंचुरी में uh, प्रेसेस को इम्पोर्ट करके बाहर से मंगवाना स्टार्ट करवा दिया था फ्राम सेवनटीन हंड्रेड एंड एट्टी जेम ऑगस्ते हेकी बिगैन टू एडिट दी बेंगाल गैजेट अ वीकली मैगजीन जेम ऑगस्टे हिकी सेवेंटीन एटी में जेम ऑगस्त हकी ने uh, एक वीकली मैगजीन जिसका नाम बंगाल गैजेट था उसको भी प्रिंट करना स्टार्ट किया और उन्होंने ये कहा था कि अ कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुंस बाई नन मतलब कि ये एक कमर्शियल पेपर है और ये इंडिपेंडेंट न्यूज पेपर है और ये किसी से भी प्रभावित नहीं है सो बेसिकली इट वॉज अ प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज प्राउड ऑफ इट इंडिपेंडेंस फ्रॉम दी कलोनियन इन्फ्लुएंस मतलब इस पर किसी भी तरीके का कलोनियन प्रभाव नहीं था और इन दिस वे द प्रिंटिंग बिगैन इन इंडिया इंग्लिश प्रिंटिंग बिगैन इन इंडिया हेकी पब्लिश अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट इंक्लूडिंग दो दैट रिलेटेड टू द इम्पोर्ट एंड सेल ऑफ ट्रेड हेकी ने बहुत सारे न्यूज पेपर्स न्यूज पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स को पब्लिश करना स्टार्ट किया और ज़्यादातर उसमें जो मैटर होता था वो स्लेब्स की ट्रेडिंग को लेकर होता था कि कैसे लोगों को खरीदा और बेचा जा रहा है और इस तरह के न्यूज एडवर्टीजमेंट्स को वो पब्लिश कर रहे थे बट ही ऑल्सो पब्लिश अ लॉट ऑफ गॉसिप अवॉर्ड दी कंपनी सीनियर ऑफिशियल साथ ही साथ उन्होंने कंपनी के सीनियर्स जो ऑफिसर्स होते थे उनके बारे में बहुत सारी गॉसिप्स को भी पब्लिश किया और इनरेज बाय दिस गवर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग प्रोसिक्यूटेड ही की और इस चीज से वॉरन हेस्टिंग गवर्नर जनरल जो थे वो काफ़ी नाराज हो गए थे एंड इंक्रेज दी पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियल सैक्शन न्यूज़पेपर दैट कुड काउंटर द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट डैमेज द इमेज ऑफ द कलोनियल गवर्नमेंट और उन्होंने इस तरह के न्यूज़पेपर को इंक्रेज किया जिससे इंक्रेज किया जिससे भी किसी भी तरीके से कलोनियन गवर्नमेंट की इमेज जो है वो ख़राब ना हो पाए एंड बाई द क्लोज ऑफ दी एटीन सेंचुरी और एटीन सेंचुरी के ख़त्म होते होते नंबर ऑफ़ न्यूज़पेपर एंड जनरल अपियरड इन प्रिंट बहुत सारे न्यूज़पेपर और जनरल जो थे आपके एटीन सेंचुरी में प्रिंट होकर आने लगे देयर वर इंडियन टू हुन टू पब्लिश द इंडियन न्यूज पेपर और जिसमें इंडियंस भी पीछे नहीं थे और इंडियन न्यूज़ पेपर भी पब्लिश हो रहे थे जिसमें आप, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया है गंगाधर भट्टाचार्य का जिन्होंने एक वीकली न्यूज़ पेपर को पब्लिश किया बंगाल गैजेट और नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट फ्रॉम द अर्ली

कन्फर्म uh, कर रहे थे अलग अलग तरह से चीज़ों को इंटरप्रटेट कर रहे थे एंड ऑफर्ड अ वैरायटी ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द बिलीफ ऑफ डिफरेंट रिलीजन मतलब अलग अलग धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी लोगों की मानने की समझने की अलग अलग चीज़ें थी और वो अलग अलग तरीके से हर चीज़ को एक्सप्रेस uh, कर रहे थे सम क्रिटिसाइज दी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस कुछ लोग तो जो एग्जिस्टिंग uh, प्रैक्टिस चल रही थी उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे एंड कैंपेन फॉर द रिफॉर्म और बदलाव के लिए रिफ़ॉर्म के लिए बदलाव के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे वाइल अदर काउंटर दी आर्ग्यूमेंट ऑफ रिफॉर्म और वहीं दूसरी साइड एक ऐसा ग्रुप भी था जो कि रिफ़ॉर्मर्स के अगेंस्ट में काम कर रहा था उनसे आर्ग्यू कर रहा था नाउ दीज डिबेट्स वर कैरीड आउट इन पब्लिक एंड इन प्रिंट ये जितना भी डिबेट हो रहा था वो पब्लिक में हो रहा था और साथ ही साथ प्रिंटिंग में देखने को भी मिल रहा था प्रिंटेड ट्रैक एंड न्यूज़पेपर नॉट ओनली स्प्रेड द न्यू आइडिया बट दे शेप द नेचर ऑफ द डिबेट ये जो प्रिंटिंग हो रही थी न्यूज़पेपर में और जो प्रिंटिंग ट्रैक्स आ रहे थे इसकी वजह से ना ही नए नए आइडियाज़ अब स्प्रेड हो रहे थे नए नए बल्कि डिबेट को एक नए तरीके का आ, शेप मिल चुका था आवाइडर पब्लिक कुड नाउ पार्टिसिपेट इन दिस पब्लिक डिस्कशन एंड एक्सप्रेस डेरव्यू अब ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक थी वो पब्लिक डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रही थी और अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पा रही थी अपने विचारों को व्यक्त कर पा रही थी न्यू आइडियाज़ इमर्ज थ्रू दीज क्लैश ऑफ ओपिनियन अब इस तरीके के ओपिनियन जो लोगों के अलग अलग होते थे उसके उसमें क्लैश हुआ और इस क्लैश की वजह से इन मतलब लोगों के अलग अलग विचारों में जब भिड़त हुई क्लैशेज़ हुए तो इसकी वजह से नए नए आइडियाज़ इमर्ज होकर सामने आने लगे दिस वॉज द टाइम्स ऑफ द इंटेंस कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द सोशल एंड द रिलीजियस रिफॉर्मर एंड द हिंदू ऑर्थोडॉक्स ओवर द मैटर लाइक द विडो इमोल्यूशन मोनटिज्म ब्राह्मिकल प्रिस एंड आइडल्ट्री स्टूडेंट्स अब ये वो टाइम था जब कि जो आपके हिंदू ऑर्थोडॉक्स नेचर के जो लोग होते थे और जो हमारे समाज में जो सोशल चेंज चाहते थे जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स होते थे जो रिलीजियस धार्मिक बदलाव चाहते थे उनके बीच में एक तरीके की कॉन्ट्रोवर्सी एक लड़ाई स्टार्ट हो गई अलग अलग मैटर्स को लेकर जो समाज में चल रहे थे जैसे कि विडो इमोलिशन जैसे विडो का विडो मींस विधवा का आ, बलिदान मोनोथिज्म मोनोथिज्म मींस द बिलीव डैट देयर इज ओनली वन गॉड या ब्राह्मिकल प्रीसोड या आइडोल्ट्री इस तरह के मैटर्स पे बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई इन बंगाल एज द डिबेट डेवलप बंगाल में जैसे जैसे डिबेट डेवलप्ड होता गया ट्रैक्स एंड न्यूज़पेपर पेपर ट्रैक्स uh, और जो प्रिंट होता था और जो न्यूज़पेपर्स होते थे वो पूरी तरीके से इसी तरीके डिबेट से भर गए सर्कुलेटिंग एन वेराइटी ऑफ आर्ग्यूमेंट मतलब अलग अलग तरीके के आर्ग्यूमेंट्स जो थे अब वो सर्कुलेट uh, होने लगे थे जगह जगह फैल रहे थे टू रीच अ वाइडर ऑडियंस द आइडियाज़ प्रिंटेड इन द एवरी डे ज़्यादा से ज़्यादा um, ऑडियंस तक ये सारी बातें पहुंच सके इसीलिए आइडियाज़ को रोज़ की मर्रा की जिंदगी में प्रिंट किया जाने लगा स्पोकन लैंग्वेजेस ऑफ ऑर्डनरी पीपल मतलब जिस लैंग्वेज में लोग बात करते हैं उस लैंग्वेज में उस सारी चीज़ों को प्रिंट किया जाने लगा राम मोहन रॉय पब्लिश दि सम्मन कामंदी फ्रॉम एटीन ट्वेंटी वन राम मोहन रॉय जो कि एक रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर थे उन्होंने सम्मान कामंदी को प्रिंट किया एटीन ट्वेंटी वन में पब्लिश करा एंड द हिंदू ऑर्थोडाक्सी कमीशन दिस समाचार चंद्रिका टू तो अपोज इज ओपिनियन और राम मोहन रॉय जी को अप, आ, के विचारों को ओपिनियन को अपोज करने के लिए हिंदू आर्थोडॉक्स कमीशन ने समाचार चंद्रिका को निकाला फ्राम एटीन ट्वेंटी टू एटीन ट्वेंटी टू में दो पर्शियन न्यूज़ पेपर को पब्लिश किया गया जाम जहाँ नमा एंड शमसुल अकबर और सेम इसी ईयर में एक गुजराती न्यूज़ पेपर भी आया आ, जिसका नाम था समा बॉम्बे समाचार इन द नॉर्थ इंडिया द उलेमा वर डीपली एनशियस अबाउट द कोलेप्स ऑफ द मुस्लिम डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया में स्टूडेंट्स जो उलेमा थे वो बहुत ही ज़्यादा एनशियस हो गए थे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो मुस्लिम डायनेस्टी है वो पूरी तरीके से अब कोलेप्स हो जाएगी पूरी तरीके से मिट जाएगी uh, उमा का मतलब होता है लीगल स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम जो मुस्लिम धर्म के जो लीगल जो धर्म गुरु होते हैं उनको उलेमा कहा जाता है द फीयर डेट द कलोनियन रूलर वुड इंक्रेज दी कन्वर्जन उन्हें एक डर ये भी था कि किसी भी तरीके से जो कलोनियन रूलर्स हैं वो अब उनके धर्म का परिवर्तन कर देंगे और मुस्लिम लॉज जो है नियम है उनको बदल देंगे टू इंकाउंटर दिस डे यूज़ द चीप लेथोग्राफिक प्रेस और इस चीज़ से काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि बहुत ही सस्ती सी जो लेथोग्राफिक प्रेस होती हैं उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया पब्लिश दी पर्शियन एंड उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ द होली स्क्रिप्शन और साथ ही साथ पर्शियन और उर्दू जैसी लैंग्वेजेस को यूज़ करके उन्होंने अपने होली स्क्रिप्चर्स अपने धर्म धर्म से रिलेटेड जो उनके ग्रंथ होते हैं उनको ट्रांसलेट करना प्रिंट करना स्टार्ट करा दिया साथ ही साथ बहुत सारे धर्म से रिलेटेड रिलीजियस न्यूज़पेपर्स को प्रिंट करना स्टार्ट करा दिया द देियोबिन सेमिनार फाउंडेड इन 1867 सिक्स पब्लिश था अपन थाउजेंस ऑफ फतवास टेलिंग द मुस्लिम रीडर हाउ टू कंडक्ट दमसेल्फ इन दियर एवरी डे लाइफ एंड एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्राइन जिसमें बुक में एक एक्जाम्पल भी दिया है ड्योबिन सेमिनारी का जिसको 1867 में फाउंड किया गया था इसका काम यह था कि स्टूडेंट्स ये मुस्लिम रीडर्स को ये बताती थी फतवे निकालती थी फतवा मीन्स एक तरीके का लॉ समझ लीजिए नियम निकालती थी जिससे मुस्लिम रीडर्स को ये बताया जाता था कि कैसे एवरीडे लाइफ में रहना है कैसे उन्हें क्या काम करना है और उन्हें धर्म से रिलेटेड सारी चीज़ों के मतलब बताती थी ऑल थ्रू द नाइनटीन सेंचुरी अ नंबर ऑफ मुस्लिम सेमिनार्स एंड सेक्ट अपियर्ड ईच विद द डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द फेथ और पूरी नाइनटीन सेंचुरी हम देखते देखते हैं कि कैसे अलग अलग तरीके से बहुत सारे मुस्लिम सेमिनार और सेक्ट अपियर होकर सामने आते हैं जिनका अपना अलग अलग धर्म से रिलेटेड अपने विचार होते थे एंटरप्रिटेशन होता था ईच कीन ऑन ए लाजिंग इट फॉलोइंग और जिसमें सब आगे रहते थे कि मतलब सब उन्हीं के फेथ को फॉलो करें एंड इनकाउंटरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स अपोनेंट और उनके जो अपोनेंट्स हैं वो उनसे पीछे ही रहें उर्दू प्रिंट हेल्प देम कंडक्ट दिस बैटल इन पब्लिक और जो उर्दू प्रिंटिंग होती थी उसने आ, उनकी काफ़ी मदद करी ताकि पब्लिक तक ये सारी चीज़ें जा सकें अमंग द हिंदूज़ टू और हिंदूज़ में क्या था कि आ, प्रिंटर ने काफ़ी इंक्रेज कर दिया था लोगों को कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियस टेक्स्ट को धर्म धर्म से रिलेटेड जो टेक्स्ट है उनको पढ़ सकें और स्पेशली इन द वनिकुलर लैंग्वेजेस और मातृभाषा में पढ़ सकें द फर्स्ट एडिशन ऑफ रामचरित मानस ऑफ तुलसीदास अ सिक्सटीन सेंचुरी टेक्स्ट केम आउट From कैलकाटा इन एटीन हंड्रेड एंड टेन और इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि तुलसीदास जी का जो रामचरित मानस था सिक्सटीन सेंचुरी का वो कैलकटा में एटीन हंड्रेड एंड टेन में आया एंड बाई द मिड नाइनटीन सेंचुरी और नाइनटीन सेंचुरी के आते आते जो चीप आपकी बहुत ही सस्ती सी लेथोग्राफिक एडिशन्स होते थे उससे हमारी पूरी नॉर्थ की इंडियन मार्केट जो बाज़ार था वो इसी तरीके के एडिशन से पूरा भर गया From 1880 the Naval Kishore Press at Lucknow and Shri Venkateshwar Press in Bombay published the numerous religious texts in vernacular. और 1880 में जो लखनऊ की नवल किशोर प्रेस है और बॉम्बे की श्री वेंकटेश्वर प्रेस है वो बहुत सारे रिलीजियस टेक्स को मातृभाषा में प्रिंट करने लगी। In their printed and portable form these could be read easily by the faithful at any place and time. They could also be read out to the large group of illiterate men and women. ये प्रिंटेड जो जो हो रही थी ये बहुत ही आसानी से किसी भी जगह किसी भी समय पढ़ी जा सकती थी साथ ही साथ जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे उनको पढ़ के सुनाया जा सकता था रिलीजियस टेक्स डेफोर रीच अ वेरी वाइड सर्कल ऑफ़ द पीपल इंकरेजिंग डिस्कशन डिबेट एंड कॉन्ट्रोवर्सी विद इन एंड अमंग डिफरेंट रिलीजियंस तो इस तरीके से बहुत ही वाइड सर्कल में लोगों को इंक्रेजमेंट मिली uh, कि वो डिस्कशन कर सकें डिबेट कर सकें और अलग अलग धर्म से रिलेटेड टेक्स्ट को पढ़ सकें प्रिंट नॉट ओनली टूमलेट द पब्लिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन अमंगज द कम्युनिटी बट इट ऑल्सो कनेक्टेड द कम्युनिटीज एंड पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर कन्वेड द न्यूज़ फ्राम वन प्लेस टू अनदर क्रिएटिंग पैन इंडियन आइडेंटिटी प्रिंट की वजह से ना ही पब्लिकेशन को बढ़ावा मिला अलग अलग कम्युनिटीज़ में बल्कि अलग अलग धर्म के और कम्युनिटीज़ के लोग अलग अलग पार्ट्स में जो भारत में थे उन्हें जुड़ने का भी मौका मिला न्यूज़पेपर जो होते थे वो न्यूज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने का काम कर रहे थे और इस तरीके से इंडिया के अलग अलग पार्ट आपस में जुड़ पाए दैट्स फॉर टुडे और uh, uh, आज हम यहीं पर ओवर कर रहे हैं एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल बिगिन विद द न्यू टॉपिक न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन थैंक यू